मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को वाल्मीकि समाज के लोगों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार उत्पीड़न को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि वाल्मीकि समाज का निवेदन है कि वाल्मीकि समाज पर अत्यधिक अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं। बीते दिनों लगभग 6 दिन पहले समाज के वरिष्ठ समाज सेवी भारती वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बाबू पर जब वे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छतरी वाले पार्क में बैठे थे तभी उन पर जानलेवा हमला किया गया था और वो भी बाल बाल बच गए। जिन लोगों ने हमला किया था उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। दलित समाज के लोगों ने एसएसपी से गुहार लगाई है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। मेरा नाम रवि द्राविड़ है। रवि द्राविड़ जी, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है आज? वाल्मीकि समाज सौभाग्य संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा एसएसपी महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है क्योंकि वाल्मीकि समाज के धार्मिक नेता आदरणीय द्राविड़ जी पर जानलेवा हमला हुआ था। हमलेवार खुलेआम घूम रहे हैं और जिस क्षेत्र के थाने की घटना उस क्षेत्र के थाने में घूम रहे हैं और तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पर उत्पीड़न बरकरार है और कहीं भी दलितों को न्याय नहीं मिल रहा। अभी हाथरस में कांड हुआ, कन्नौज में कांड हुआ, पता नहीं पुलिस प्रशासन की मंशा क्या है, इस प्रदेश सरकार की मंशा क्या है। क्या दलितों से ये प्रदेश खाली कराना चाहते हैं? क्या दलितों से चाहते हैं इस प्रदेश से बाहर चले जाए दलित? मेरी ऐसी मांग है इस समिति के माध्यम से, अगर उनको किसी की गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति आंदोलन करेगी और पूरा वाल्मीकि समाज एक प्लेटफॉर्म पर आएगा। सर, ये कहाँ की घटना है, किस जगह घटना? ये घटना सिविलियन थाने के अंदर छतरी वाले पार्क की है। वो अपने कार्यकर्ता बैठ के बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग आए क्योंकि वो हमेशा दलितों की आवाज़ उठाते रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी मुठभेड़ हो जाती है तो बोले तुम बहुत बड़ा नेता बनता है और तुझे हम देखेंगे। बात करते उन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया जिसको वहाँ के लोगों ने बचाया। इसकी सिविलियन थाने रिपोर्ट कराई है और जो खिलाफ दर्ज कराई उसमें कई 6-7 लोग हैं। तो गिरफ्तारी हुई इसमें? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई पुलिस द्वारा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। और जो उनकी गाड़ी थी उस गाड़ी में तमाम आप लोगों को ज्ञात होगा कि उस गाड़ी में तमाम लोहे के राडे डंडे मिले थे और तमंचा शायद उनकी एंटी में थे। अगर वहाँ पर जो दुकानदार हैं और कर्मचारी नहीं होते शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए अन्यथा वाल्मीकि समाज आंदोलन करेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन से थाना क्षेत्र की घटना है? सिविलियन थाना क्षेत्र की घटना है। ये 20/10/2020 को जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निर्देशक लल्लाओ द्राविड जी के साथ जो कुछ तत्वों ने जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने जो हमला करा उनके ऊपर, उसको लेकर आज एसएसपी जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि अभी तक उनके गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हमारी मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और अन्यथा अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो पूरा वाल्मीकि समाज और पूरा समिति हमारी इसको लेकर आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी शासन जिला प्रशासन की होगी। ये छतरी वाले पार्क में ये जो हमलावरों ने घटित हुई थी 20/10/2020 को।